क्या हुआ? लोगों ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया? आओ बैठो। तुम भी बैठो बैठो। इविजान ने खड़े खड़े तुम्हारे बारे में सारे सवाल कर लिया कि तुम कहां थे, कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे वापस आए। जाते हुए सलाम करते जाना। शुरू करो। आप शुरू करें फारूक भाई। नहीं तुम शुरू करो, तुम मेहमान हो। इधर देखो मैं डाल दे। ये लो। इधर तो भी खाओ। अभी तो कुछ गपशप हुई दोनों के बीच में या हाथों की तरह मुंह भी बांधे बैठे रहे? कोई गुफ्तगू नहीं है क्या? बात करते फारूक भाई, कोई बात थी ही नहीं। देखते रहोगे एक दूसरे को? इतने दिनों बाद जो मिले हो। सुन लेते हैं कि आंखों आंखों में क्या बात है। मुलाजिम तो बहुत अच्छे हो तुम, मालिक की कोई बात नहीं डालते। समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ। तुम क्यों सच और झूठ की उलझन में पड़े हो? होटल के खाते देखो जाकर, और होटल में आने वाले लोगों की आराम और सुकून का ख्याल रखो। जो तुम्हारा काम है ना, तुम वो करो। अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा मत सोचना। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं किस आग में जल रहा हूं जरमी। अंदाजा है, बहुत अच्छी तरह से अंदाजा मुझे। एक कहानी सुनी थी मैंने किसी गुलाम की, जिसका मालिक उसकी बीवी को उठा कर ले जाता है। बेचारा ना गुलामी छोड़ सकता और ना ही बीवी को वापस मांग सकता, बीच में कहीं जल रहा होता बेबसी की आग में तुम्हारी तरह। ये बेबसी नहीं बेगैरती होती है। बेबसी तो तब होती जब उसकी बीवी खुद उसके मालिक के पास चली जाती। जो लोग गुलाम रखते हैं वो इतने बेवकूफ नहीं होते। हाल उसने अपने गुलाम को यकीन दिलाया था कि उसकी बीवी खुद उसके पास आई। मैं कैसे मान लूं? तुम मानो या ना मानो मेरा इससे क्या लेना देना हारू। मैं यहां सिर्फ शीनिंग के लिए बैठी हूं। कोई दूसरा जिए या मरे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।
इतना घबरा के रहे हो? कोई नई बात थोड़ी है। ना को तुम्हें हलाया था। ताकि तुम दोनों अपनी भड़ास निकाल लो। उसके बाद ना तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे ना बात करोगे।